कई घरों में लड़कों की या लड़कियों की पैदाइश ज़्यादा होती है, क्या तिब्बी लिहाज से ये इलाज है कि अगर किसी के यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हों तो लड़के पैदा शुरू होने? जी कोशिश करते हैं सारे, ठीक। गरज नहीं है इसमें। ये इसी सवाल पे इमाम साहब के क्या? सवाल, इमाम साहब के जो सवाल भी किया उसी के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहबी फौत हो गए थे, उनकी जान निकल रही थी और काफ़ी मुश्किल में कर्ब में तड़प रहे थे। तो रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनकी वालदा को लेके आया जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ किसी किस्म की दुआ दी थी, इस तरह की रिवायत है। सिलसिले में जो कुछ देखा वो ये पता करें। मुझे तो इस हदीस की अगर नहीं है जो आप कह रहे हैं, आपने पढ़ी है तो या तो हवाला दें, और फिर इस मज़मून से इसका ताल्लुक इसलिए नहीं बनता कि आपको क्या पता कि उस वालदा को वाकई उस बच्चे ने दुख दिया था कि नहीं। और अगर वालदा को कोई बच्चा दुख दे हकीकी मानों में, तो उसकी दुआ कबूल होती है, ये रसूल से फरमा चुके हैं। उसके साथ तो तलवार ही नहीं है। अब ये सारी हदीस देखने वाली बात है, लेकिन अगर ये दुरुस्त है तो फिर ऐसी वालदा होगी जिसके बच्चे ने उसको तकलीफें पहुंचाई हैं। बच्चे दुख हाँ, काफी तंग किया, हाँ दुख बस दिए थे। उसकी बदुआ लग गई, उसको बुलाया गया ताकि वो देख ले और अपनी बदुआ को वापस ले ले। ठीक ठीक है ना? ये इम्कान है, मैं सिर्फ इम्कानी बहस कर रहा हूँ।